सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार, और आज ये मैं एलोवेरा की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये बड़ा सा एक एलोवेरा का प्लांट रखा हुआ है, जो कि ये काफ़ी वजन हो गया था इसका, 15 से 10 किलो के बीच में आई, और इसकी वजह से ये पोट में से अपने आप ही टूट के गिर गया था। ये देखिए, नीचे से टूट चुका है, कोई बात नहीं, फिर भी ये लग जाएगा क्योंकि इसमें जड़ें निकल जाती हैं, और इसको कटिंग के द्वारा भी उगाया जाता है एलोवेरा को। और मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा प्लांट है ये। और ये एक प्लांट था इसके में, इसी में से ये देखिए एक प्लांट और निकल रहा था, तो इस प्लांट को मैं अभी अलग कर दूंगा, क्योंकि अगर दो प्लांट एक में ही रहते हैं तो इनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से प्लांट फिर से गिर के टूट जाता है। तो अब मैं इसकी रिपोर्टिंग आपको करके दिखाऊँगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर प्लांट से रिलेटिव सवाल हो आपके पास तो जरूर कमेंट में पूछें। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी आप, इसको मैंने कट कर लिया, इसकी लीव्स ये मैंने काट दी थी नीचे वाली, क्योंकि इतना हिस्सा मेरे को सॉइल में डालना है। और ये देखिए, अब ये जो लीव्स की बची हुई है नीचे की हिस्सा है, इसको हम उखाड़ देंगे। और ये देखिए, दूसरे वाले प्लांट की रूट्स किस तरीके से इस प्लांट में मिली हुई है, तो इसको तोड़ के अभी हम निकालेंगे। ये देखिए, दूसरा वाला बेबी प्लांट ये इस बड़े वाले प्लांट में से निकला था, और यहाँ से हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसकी लीव्स वाली जो हिस्सा था नीचे का, वो सारा निकाल दिया है। आपको भी इसी तरीके से लगाना है, जब भी आपका प्लांट बड़ा होकर अपने आप टूट जाए, उसके बाद नीचे की लीव्स काट दें, और इतना हिस्सा लगभग 2 से 3 इंच का मिट्टी में गाड़ना है, क्योंकि इसमें से जड़े रूट्स निकल जाती हैं। देखिए, हल्की हल्की रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये अभी बड़ी हो जाएंगी। और इसको क्या करना है, इसको हम तोड़ लेंगे यहाँ से, इसमें भी जड़ें निकल जाएगी अपने आप। इसकी रूट्स भी निकल रही हैं, ये लग जाएगा बिल्कुल आपका प्लांट, मरने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, और ये ना के बराबर ही मरता है, इसको लगा देंगे या इजीली लग जाएगा। अभी मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके की इसको रिपोर्ट करना है, किस तरीके की सॉइल में लगाना है, और टोटल जानकारी दूंगा। और इसका फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जूस बनता है, जो कि बिल्कुल ही विटामिन सी से भरपूर होता है, और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए कितना मोटा प्लांट है, इसमें बहुत बढ़िया जेल निकलेगा, और जूस वाले भी ये प्लांट अपने पास रखते हैं, इसका जूस बहुत बढ़िया बनता है, और इसको हेयर में भी लगाया जाता है, हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। सो अभी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक बिग प्लांट से हमारे पास एक बेबी प्लांट भी निकल गया है, और ये बिग प्लांट्स लगभग मेरा 2 ईयर ओल्ड हो चुका है, और एक ही प्लांट अभी मैं इस पोट में अपने लगाऊंगा, और देखिए कितने सारे बेबी प्लांट निकल जाएंगे। एक महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि इसमें 5-6 बेबी प्लांट और निकल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल किस प्रकार की लेनी है। तो सॉइल में हम 50% गार्डन सॉइल ले लेंगे, और 30% हमें गोबर की खाद लेनी है, और बाकी 20% आप इस पर कोकोपीट मिला सकते हैं, पर अभी मेरे पास कोकोपीट है नहीं, तो मैं उसकी जगह पर ऐसे ही इन दोनों को ही मिला के सॉइल तैयार करूँगा। और ऐसी सॉइल में भी ये बहुत ही ईजी तरीके से लग जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस आप समय समय पे फर्टिलाइज़र डालते रहें। मैंने फर्टिलाइज़र के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। और फर्टिलाइज़र डालने से आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, बहुत ही हेल्दी रहता है, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अभी हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये गोबर की खाद बहुत ही हेल्पफुल होती है प्लांट के लिए, हमारे प्लांट को बहुत सारे पोषक तत्व देती है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी रहता है और ग्रीन दिखाई देता है एकदम। गोबर की खाद आप ज़रूर मिलाएं, इसकी जगह पे कंपोस्ट भी मिला सकते हैं आप, तो आपके ऊपर है आप क्या चीज़ मिलाना चाहेंगे।
फ्रेंड्स देखिए मैंने होल कर लिया अपने पॉट में, होल करना ना भूले क्योंकि अगर होल नहीं होगा आपके पॉट में तो इसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग होने की वजह से आपका प्लांट गलना शुरू हो जाता है, और खासकर एलोवेरा में ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग होने की वजह से आपका एलोवेरा का प्लांट सूखने लग जाता है धीरे धीरे और ख़राब होने लग जाता है। इसलिए हमें ये होल कर लेना है पॉट के अंदर, और होल करने के बाद इसके ऊपर दो पत्थर से रख दें या कोई भी कंकड़ पत्थर रख दें ताकि पानी अच्छे से पास होता रहे इसमें, और पानी आराम से निकलेगा तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब हम इसमें सॉइल डालेंगे। सो फ्रेंड्स अभी इसको बिल्कुल बीचों बीच में और सीधे लगाना है ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे, और उसके बाद इसमें सॉइल डाल देंगे। चलो अच्छे से फ्रेंड्स इसके साइड साइड में सॉइल भर देनी है, तो अगर आपका ये प्लांट ज़्यादा हिले डुलेगा तो फिर इसके लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सॉइल डाल के इसको अच्छे से दबा दें, प्रेस कर दें ताकि प्लांट ज़्यादा हिले ना, और प्लांट आपका हिलेगा नहीं तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अभी मेरा प्लांट ज़्यादा नीचे जा रहा है और सॉइल में इसकी लीव्स दब सकती हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा, नहीं तो सॉइल अगर मिट्टी ये इसकी लीव्स अगर मिट्टी में दबेंगी तो फिर ये सड़ सकती हैं इसकी लीव्स। सो फ्रेंड्स अभी देखिए हमारा ये प्लांट बिल्कुल बढ़िया से लग चुका है इस पॉट में, और देखिए मैंने किस तरीके से इसकी सॉइल दबा दबा के प्रेस कर दी है। और इसकी ये ध्यान रखें ये लीव्स ज़्यादा मिट्टी में ना दबाएं, हल्की फुल्की दबेगी तो चलेगा क्योंकि ऊपर से और बड़ी बड़ी लीव्स आती रहेंगी, तो अगर नीचे वाली लीव्स चाहें तो आप काट के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, जूस वगैरह के लिए या हेयर फॉल वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए चारों तरफ से मैंने बहुत ही अच्छे से सॉइल डाल के इसको दबा दिया, और प्लांट देखिए कितना ही बड़ा है और कितना ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये इसकी रिपोर्टिंग है, अभी इसकी वाटरिंग करूँगा मैं, और पहली बार में इसको फुल वाटरिंग चाहिए, जितनी वाटरिंग करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा ताकि इसकी सॉइल अच्छे से बैठ जाएगी वाटरिंग करने की वजह से, और बैठने की वजह से फिर ये अच्छे से लगेगा। अभी देखिए मैं किस तरीके से वाटरिंग करता हूँ इसकी। सो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं इसकी वाटरिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है और मैं इसी से अपने प्लांट की वाटरिंग करता हूँ। इसके लीव्स में जितनी भी ये सॉइल घुस गई है ये पहले तो निकाल दें, और ये स्प्रे बॉटल आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपको शॉप पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और इसकी बॉटल देखिए मैंने दूसरी लगाई हुई है, इसकी बॉटल टूट गई थी तो ये मैंने दूसरी बॉटल लगाई हुई है इस पर। अच्छे से वाटरिंग कर दें ताकि आपकी सॉइल बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए इसमें, और इसकी सॉइल को दबा दें अच्छे से, और सॉइल बैठेगी नहीं तो फिर प्लांट लगेगा नहीं आपका अच्छे से। सो फ्रेंड्स अभी आप देखिए मैंने इसकी वाटरिंग कर दी है बहुत अच्छे से, और फुल वाटरिंग करी है, और इसको अभी मैंने छांव जैसे एरिया में रखा है। देखिए यहाँ से दीवार जुड़ी हुई है ऊंची सी, इधर इसको बहुत ही कम धूप मिलेगी, 2-3 घंटे की बस धूप मिलेगी, क्योंकि अभी मैंने इसको नया रिपोर्टिंग करी है तो अभी इसको कम धूप चाहिए जब तक ये अच्छे से इसकी रूट्स निकल नहीं जाती, और जब इसकी रूट्स निकल जाएगी तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। अभी आपको इसको हल्के शेडी एरिया में रखना है ताकि ज़्यादा इस पर धूप ना लगे, वरना अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो ये आपका प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और इसके अंदर का जेल कम होएगा। ये देखिए मेरे लीव्स कितनी मोटी है इसकी, और ये वाला देखिए ये दो एलोवेरा प्लांट पहले भी हमने रिपोर्टिंग करी थी इसकी, अभी एलोवेरा के हमारे पास एक प्लांट लगाया था, देखिए कितने सारे प्लांट हो गए एलोवेरा के। ये देखिए यहाँ पर भी एलोवेरा आपको दिख जाएंगे, काफ़ी सारे एलोवेरा हो गए मेरे पास। आप अगर एक एलोवेरा का प्लांट लगाते हैं तो भी ये बेबी प्लांट बहुत सारे फिकते हैं, पहले इस वाले पॉट में वो बड़ा वाला एलोवेरा आपका लगा हुआ था जो मैंने अभी रिपोर्टिंग करी है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से टूटा है, ये देखिए ये इसकी मेन ब्रांच थी और यहाँ से अपने आप वजन की वजह से ज़्यादा भारी होने की वजह से टूट के गिर गया था, और देखिए कितने सारे बेबी प्लांट इसमें निकल गए थे, इसने निकाल दिए थे। और ये देखिए एक और एलोवेरा का पॉट है,
बहुत सारे एलोवेरा हो गए हैं अभी मेरे टेरिस पे, और ये वाला जो एलोवेरा बचा हुआ है इसमें से बेबी प्लांट निकाला है मैंने, ये मैं अपने किसी फ्रेंड्स को दे दूंगा, वो लगा लेगा। तो इसी के साथ अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी सवाल अगर प्लांट से रिलेटिव हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।